सीडी कांड के बाद अब कांग्रेस ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लाखों राशन कार्ड फर्जी है और इसका खुलासा भी हो गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव से ही राशन कार्ड का मामला प्रदेश कांग्रेस उठाती आ रही है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने रमन सरकार पर फर्जी राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था। इस बार भी चुनाव के पहले गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने फिर प्रदेश में अभी भी लाखों फर्जी राशन कार्ड होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कोर्ट में लगी याचिका का हवाला देकर कहा कि जनसंख्या के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश भर में लगभग 12 लाख से ज्यादा राशन कार्ड फर्जी हैं, जिससे सरकार के घोटाले भी साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि घोटाले के आंकड़े को भी राज्य सरकार ने मान लिया है, तो प्रदेश के मुखिया के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। 42 लाख राशन कार्ड थे, उन्हें 72 लाख किया गया सितंबर में, जबकि बजट में 42 लाख का प्रावधान था। जितने परिवारों की संख्या थी जनगणना में, उससे ज़्यादा राशन कार्ड जारी किए गए। भाजपा ने ये चुनाव को देखते हुए बड़ा घोटाला किया था। इस घोटाले के तथ्य हाई कोर्ट में भाजपा सरकार द्वारा दायर जवाब से उजागर हो गए हैं। कांग्रेस इसे देखते हुए राज्य सरकार से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग करती है। कांग्रेस के फर्जी राशन कार्ड के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा उपाध्यक्ष सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस को वास्तविक विकास से कोई सरोकार नहीं। राज्य सरकार ने 15 सालों में हर तबके के लोगों के लिए बेहतर योजनाएं दी हैं, लेकिन कांग्रेस को वो दिखाई नहीं देता। राशन तो कांग्रेस के नेता भी लेते हैं। ऐसे बेमतलब बयान देकर आम जनता को कांग्रेस धोखा दे रही है। कांग्रेस के लोगों ने कभी राशन कार्ड नहीं बनाया भाई। आज राशन कार्ड का आज बोलते हैं मतदाता सूची, तो और एक तरफ बोलते हैं कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है। इसका मतलब उसके कार्यकर्ता परिश्रम नहीं करते, उनके कार्यकर्ता हवा हवाई हैं, जो जाकर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, कभी सरकार पे राशन कार्ड का आरोप लगाते हैं। तो राशन कार्ड का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया क्या? आज धान का बोनस बढ़ रहा है, नेताओं ने नहीं ले रहे क्या? तो आज सारी चीज़ें ले रहे हैं भाई, लेने के बाद में मतलब गुड़गुड़ाना और गिड़गिड़ाना ये और अपशब्द बोलना ये बेईमानी है। बहरहाल राशन कार्ड का जिन मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाता है, ये तो चुनाव का नतीजा ही बता पाएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक सिग्नल ट्रैफिक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहा था, लेकिन 10 सिग्नल को क्लॉकवाइज कर दिया गया है, यानी सुई की दिशा में सिग्नल ग्रीन हो रहा है और गाड़ियां रफ्तार पकड़ती जा रही है। राजधानी में पिछले कई सालों से यातायात का दबाव देखा जा रहा है, जिसके सुधार के लिए कई बार योजनाएं बनाई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब रोड सिग्नल को सुई की दिशा में परिवर्तित किया गया है, जिससे यातायात में असर दिखने की बात भी विभाग कर रहा है। अब तक सिग्नल ट्रैफिक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहा था, लेकिन 10 सिग्नल को क्लॉकवाइज कर दिया गया है, यानी सुई की दिशा में सिग्नल ग्रीन हो रहा है और गाड़ियां रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि अभी शुरुआत है, इसके लिए वाहन चालकों के लिए यह असहज है, लेकिन धीरे धीरे आदत डालनी ही होगी। वह इसलिए क्योंकि सभी सिग्नल अब क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वह ट्रैफिक स्मूथ होना, लेफ्ट सिग्नल में ट्रैफिक जाम से मुक्ति, ट्रैफिक छूटने के बाद चौराहों तिराहों पर हो रहे वाहनों के बीच टकराव से मुक्ति, स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS प्रोजेक्ट राजधानी में लागू किया गया है। इसके तहत L&D कंपनी को 157 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। 60% से अधिक काम भी हो चुका है। नवंबर के अंत तक सभी 46 चौक चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल, हाई रिजोल्यूशन कैमरे, स्पीकर और स्क्रीन लगाए जाएंगे। पहले ये जितने भी चौक में सिग्नल का जो टाइमिंग होता था उसको एंटी क्लॉकवाइज रखा गया था, लेकिन प्रयोग के तौर पे हमने इसे बहुत सारी यूरोपीय कंट्री में भी इसको फॉलो करते हैं जो क्लॉकवाइज रखते हैं। इसमें जो जिनको लेफ्ट टर्न पे मुड़ना है वो अब जाम में नहीं फंसते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा उसको जगह मिलता नहीं था तो रुक जाता था, गाड़ियों से जाम लगती थी, जल्दी क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब से हमने क्लॉकवाइज चालू किया है उसमें जिनको लेफ्ट टर्न पे जिनको मुड़ना है, जो सिग्नल अगर रेड है तब भी जिनको लेफ्ट टर्न जाना है उनके लिए एक रास्ता मिल जा रहा है और ये एक सफल प्रयोग है ये, और इसको सभी चौक चौराहे पे हम इसको फॉलो करेंगे। अभी 10 सिग्नल पर प्रयोग किया गया है, उन पर सुबह 10 से रात 10 बजे तक सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। यह प्रयोग सफल रहा तो दूसरे सिग्नल पर इसे लागू किया जाएगा। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
जंगल सफारी में यात्रियों की सुविधा के लिए वन विभाग नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। जंगल सफारी में आने वाले पर्यटकों को अब टिकट के लिए घंटों लंबी लाइन से निजात मिलेगी, क्योंकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए वन प्रबंधन जंगल सफारी के मोबाइल ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। पर्यटक अब मोबाइल से जंगल सफारी का टिकट बुक कर सकेंगे। विभाग के अधिकारी का कहना है कि मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी। वर्तमान में जंगल सफारी जाने पर्यटकों के लिए टिकट बुक कराने का काउंटर जंगल सफारी और रायपुर में सिटी काउंटर बनाया गया है। पर्यटक इन दोनों जगहों से और ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन कई पर्यटक जानकारी के अभाव में सीधे जंगल सफारी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों को टिकट के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ओडिशा आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हुए तितली तूफान के चलते गुरुवार को ओडिशा के गोपालपुर में भारी बारिश हुई। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखा। दोपहर से ही मौसम में बदलाव हुए, साथ ही प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान तितली का असर गुरुवार को छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में भी नजर आया। 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ रहे तूफान के असर से गुरुवार को जसपुर जिले में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। इसके अलावा राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी बादल छाने के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग और लालपुर मौसम विज्ञान विभाग ने तितली को भीषण चक्रवात बताया है। लालपुर मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को येलो अलर्ट पर रखा है। हालांकि कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में बादल घिरे होने, बूंदाबांदी, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के इलाकों के लिए जो हमने आज पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसमें जो पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ के, जिसमें कि जिले हैं सरगुजा संभाग और रायपुर संभागों के जो पूर्वी भाग हैं और जो बस्तर संभाग का पूर्वी भाग है, वहां पर आगामी 24 घंटे यानी कल शाम तक बादल या गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा की एक या दो स्थानों पर संभावना है जी। और कल शाम के बाद अभी जो सिस्टम ये बना था, आज सुबह इसका उड़ीसा के तट पर हिट करने के बाद इसका अभी जो मूवमेंट है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, जिससे कि छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखा जा रहा है। कल सुबह से इसका मूवमेंट में बदलाव आने की संभावना है, फिर यह छत्तीसगढ़ से दूर होता चला जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में आगामी 36 घंटे तक इसका असर रहेगा, खासकर उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो ओडिशा पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान अब स्थिर हो गया है, यह 34 डिग्री पर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान पेंडर रोड में 17 डिग्री जा पहुंचा है। अन्य जिलों में तापमान गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम तक रायपुर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरियाबंद में मध्यम से भारी बारिश, धमतरी में बादल घिरे रहने की संभावना है, बस्तर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा, कांकेर, कोरिया से लेकर जसपुर, रायगढ़, बलरामपुर में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और जाते जाते एक नजर खबर की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की कड़ाई शुरू, धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक बयान पड़ेगा भारी। कांग्रेस ने जारी किया रमन का उल्टा चश्मा, भाजपा ने कांग्रेस को दिखाया विकास। कांग्रेस ने दिखाया फर्जी राशन कार्ड का आंकड़ा, कहा रमन मांगे आम जनता से माफी। और ओडिशा में तितली ने मचाई तबाही, छत्तीसगढ़ में 36 घंटों का दिखेगा असर। देश टीवी के सभी कार्यक्रम और समाचार देख सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर भी। प्रतिदिन समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।